हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और ठीक हूँ इसीलिए एक और पतंजलि प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। पतंजलि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है। पतंजलि का मैं आपको फेस वॉश दिखा चुकी हूँ, फेस पैक दिखा चुकी हूँ, एक एलोवेरा जेल दिखा चुकी हूँ, शैम्पू, सोप्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने रिव्यू कर चुकी हूँ। तो आज बारी है इस एलोवेरा शैम्पू की। एलोवेरा जो है ये हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्पेशली जो लड़कियां हैं ये तो इसकी फ़ैन ही हो चुकी है। आजकल लैक्मी का भी क्रीम्स आने लग गया है एलोवेरा का, हर चीज़ में आजकल एलोवेरा बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए पतंजलि भी इसने ऐसा कुछ ट्राई किया जिससे इसका मार्केटिंग लेवल और ऊपर तक जाए। इसलिए इन्होंने पेश किया है केश कांति एलोवेरा हेयर क्लींजर, और जैसा नाम है ये बहुत ठीक उसी तरह काम भी करता है। एलोवेरा हमारे स्किन को, हमारे हेयर को क्या करता है? सिल्की करता है, स्मूथ करता है और डैंड्रफ फ्री करता है। ठीक वैसा ये भी काम करता है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि इसमें प्योर एलोवेरा दिया गया है, क्योंकि अगर प्योर एलोवेरा देंगे तो इस तरह से जो फोम होता है ये फोम नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं ये ऐड कर दूँ कि इसमें ज़रूर केमिकल भी होगा, जिसका इंग्रेडिएंट्स भी आपका पीछे होगा है आई गेस। हाँ, और भी है कुछ, एक्वा है, सर्फेक्टेंट बेस है, नहीं तो फोम कैसे होगा, है ना। और हमारे हेयर क्लींस करने के लिए, डैंड्रफ को अवे करने के लिए तो फोम ज़रूरी है। तो इसमें फोम के लिए कुछ केमिकल्स भी डाला हुआ है, और इसमें हर्बल भी है। सिर्फ हर्बल की जगह पे एलोवेरा नहीं है दोस्तों, इसमें और भी है, जैसे हाइबिस्कस, रोज़ सिनेसिस है जिसे हम कहते हैं गुड्डल पुष्प, और है ऑसिमम सैंक्टम, तुलसी, ब्राह्मी, रीठा, आंवला, भृंगराज, हीना, शिकाकाई, हल्दी, गिलोय, बकूची। यानी जो जो हमारे आयुर्वेदा का एकदम टॉप क्लास प्रोडक्ट है दोस्तों, सभी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आप एक तरह से ये जो है हर्बल को निचोड़ के बनाया गया है, जिसमें 99% एलोवेरा इस्तेमाल हुआ है और बाकी सारा थोड़ा थोड़ा चीज़ ऐड करा हुआ है। आप इसका पैकेजिंग देख सकते हैं, काफ़ी नाइस है, ग्रीन कलर जिस जो एलोवेरा को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे ड्राइंग भी दिया हुआ है एलोवेरा का। और इसका मैं बता दूँ कि ये 200 ml है, 200 ml, और इसका प्राइस लगभग 85। हाँ, इसका ज़्यादातर शैम्पूज का प्राइस 85 ही होता है, एक्सेप्ट एक प्रोडक्ट है पर्पल कलर में आता है एंटी डैंड्रफ, उसका थोड़ा हाई है, आई गेस 90 या 95 है, या नहीं तो बाकी सारा जो है रीठा, शिकाकाई शैम्पू सभी का 85 rupees है। मैं लगभग सारा इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और मुझे जो ओस्ट लगा है वो वही है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिससे हेयर बहुत ज़्यादा उठते हैं। मेरा साथ तो यही हुआ है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और इसका बाकी जो है रीठा, शिकाकाई सब बहुत ही अच्छा है, एलोवेरा भी उसी में से एक तरह का है। तो इसलिए मैं घुमा फिरा के कभी ये कभी वो, ताकि मेरे बालों को हर तरह का पौष्टिक चीज़ मिल सके, इस्तेमाल करती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ यही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आंवला जो है वो भी ज़रूरी है। आंवला से सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो बालों को काला, जो हमारे हेयर को ज़्यादा यंग दिखने में मदद करता है। आजकल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ब्लीच कर लेती है हेयर को, जिसे हाईलाइट का नाम देती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काले बाल का अलग ही सौंदर्य होता है जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैं अपने बाल को काला और लंबे घने रखना चाहती हूँ, इच्छा रखती हूँ ऐसा रखने की, इसलिए मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ और भी कई तरह के शैम्पूज यूज़ करती हूँ। तो यही था मेरा इस प्रोडक्ट का रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैं एक बात शेयर कर दूँ कि अगर आपको दिक्कत हो कहीं से ख़रीदने की, तो मैं नीचे लिंक दे रही हूँ इस ओरिजिनल शैम्पू का, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।